वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग जा रहे हैं बनवीथी रिजॉर्ट। तो अभी ये देख सकते हैं अपना गाड़ी इधर, और भैया अंदर है और मम्मी इधर, पापा आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं रिजॉर्ट, ठीक है। उधर पूल पार्टी होगा, फिर तो लॉन्ग ड्राइव, बहुत ही बढ़िया से ये व्लॉग होने वाला है, बने रहिए व्लॉग में, लेट्स गो। तो गाइस, भैया भी सज धज के तैयार हो चुका है, हम भी तैयार है, मम्मी पापा भी तैयार है। तो अभी चलते हैं बनवीथी रिजॉर्ट, लेट्स गो बेबी। तो गाइस, ये मेरा वो दीदी जिसका आज सगाई है। तो चलते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन, हम लोग का जो पॉइंट है, मेन हम लोग का जो रिजॉर्ट है उधर जा रहे हैं। सो लेट्स गो गाइस। गाइस, अभी हम लोग बैठ चुके हैं और जा रहे हैं मेन पॉइंट में, रिजॉर्ट में। सो लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। वल्लाई बेबी, रिसेप्शन में पूरा झुल्ला खुला रखो, हां आज करने के पार्टी तो फास्ट ना जाओ, ऑनलाइन पावर फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। ये बनवीथी रिजॉर्ट, ये एंट्री गेट है, इधर से हम लोग जाएंगे। ये आगे हम लोग का और एक कार, पीछे हम लोग का बस आ रहा है, तो इधर से जाना है, लेट्स गो। और ये इधर का माहौल, हाँ पार्किंग जोन है इधर, अगर आप प्राइवेट कार लेके आते हो तो इधर पार्क कर सकते हो, ठीक है। गाइस, अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग सामान लेके जा रहे हैं अंदर, ओके। सो चलते हैं, तो गाइस ये है रिजॉर्ट अंदर से, देख सकते हैं कितना बढ़िया माहौल है इधर का। सो चलते हैं। हाँ, तो ये है पूल, इधर हम पूल पार्टी करेंगे गाइस। और ये मतलब अभी अभी मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मेरे को भी कुछ इधर का पता नहीं है, ठीक है। तो मैं वैसे कुछ बता नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे क्या है, पहले एक्सप्लोर करके देखेंगे। ये इधर एक कुछ चीज़ें हैं, फिर अभी हम लोग जा रहे अपने रूम, इधर जो रूम लिए है। सो गाइस, इधर कॉटेज सा हम लोग कुछ रेंट पे लिए हैं, ठीक है। तो उधर चलते हैं, उधर चल के पहले बैग वगैरह रखेंगे, फिर सगाई होगी, फिर उसके बाद पूल पार्टी करेंगे हम लोग, और बस यही है जो है। और इधर अंदर बहुत ही एक बढ़िया सा माहौल है, मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये है इधर का माहौल, ये और एक जगह है इधर अंदर, अंदर इधर बहुत सारा जगह है, हम लोग खुद भटक गए, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है भाई, कहाँ, इधर, ओके ओके लेट्स गो। तो ये रेड कारपेट, रेड कारपेट से रॉयल एंट्री। ओ भाई, सो ये बनाया हुआ है स्टेज, जहाँ पे
सगाई वगैरह होने वाला है जो भी कुछ, ओके। और ये है हम लोग का स्टार्टर्स वाला पार्ट, स्टार्टर्स है या लंच वाला पार्ट है ये? ओके ओके, लंच भी होगा और स्टार्टर्स भी होगा इसमें, स्नैक्स वगैरह भी। और ये है और एक रेस्टोरेंट है उधर, सो ओके। अभी रूम मिल गया हम लोग का। असल में इधर अंदर इतना बड़ा जगह है, ठीक है, कि इतना सारा रूम है, थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज़ है कि कौन सा रूम बुक किया गया एक्चुअल में, ठीक है। और गर्मी भी इधर उतना ही है, ठीक है, बट आई थिंक विलेज एरिया है तो शाम तक तो थोड़ा थोड़ा ठंडी लगना चालू होगा। तो जो भी हो, अभी चल रहे हैं अपने रूम में, जाके उधर ड्रेस चेंज करेंगे या देखेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद फिर पूल पार्टी भी करना है और टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, ठीक है। तो पता नहीं कैसे क्या होगा, पर देखते हैं। ये जहाँ मैं दिखाया था यही वाला हम लोग का रूम है, ओके। तो ये है हम लोग का जो कॉटेज लिए है हम लोग, कहाँ? तो ये है अपने भैया जिसके साथ सगाई हो रहा है दीदी का, तो ये हम लोग का कॉटेज है। सो चलते हैं, चलते प्रदीप भैया, लेट्स गो। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, सो गाइस उधर बोटिंग का जगह है, आई थिंक बोटिंग करने का एरिया है और इधर से हम लोग जाएंगे। बोटिंग उस साइड है, करेंगे बोटिंग भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है रूम हम लोग का, मामा दिखाते हैं आप लोग को, पूरा रूम एक्सप्लोर कराएंगे आप लोग को। बहुत बढ़िया सा बेड वगैरह सजाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और ये टोटल चीज है, इधर एलईडी टीवी और ये है जो है। सो अभी ड्रेस चेंज करते, थोड़ा मुंह हाथ धोते, फिर उसके बाद प्रोग्राम में जाना है, फिर प्रोग्राम में दिखाएंगे आप लोग को क्या होता है क्या नहीं होता है। सो चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइज इधर गर्मी भी है तो वैसे कोई डरने की बात नहीं है, एसी रूम देता है, ठीक है, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं। तो अभी सब मतलब ऐसा हाल हो चुका है इतना गर्मी में कि हम लोग थोड़ा सा भी रेस्ट ले रहे हैं, मतलब प्रोग्राम में आके हम लोग रेस्ट ले रहे हैं, कहा हम एंजॉय करते वो ना करके हम लोग रेस्ट ले रहे हैं। तो जो भी हो, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद जाएंगे प्रोग्राम में, ओके। ये है गाइज अपने कॉटेज से व्यू, ये आगे पूल वगैरह जो भी है, उधर गार्डन, पिकनिक एरिया, उधर और भी कॉटेजेस है छोटा छोटा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन लोकेशन में, चलते हैं गाइस। और वो है बोटिंग एरिया, ऑलरेडी फोटोशूट चालू हो चुका है हम लोग का। ये अपना भैया है और ये फोटोशूट चालू हो चुका है ऑलरेडी, और ये मेरा दीदी है, और बैक कैमरा में मैं खड़ा हूँ। अभी हम लोग मेन लोकेशन पे जा रहे हैं, आगे ही है, ओके चलते हैं, पार्टी वार्टी हो रहा है उधर। गाइस अभी हम लोग स्टार्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग स्नैक्स खा रहे हैं, ठीक है। तो चिल कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, वल्लाह बेबी। गाइस ये मंच सज रहा है। अरे बेटी छोड़ दो बेटी, अब बहुत कुछ सुन रहा है, क्या स्टे क्या स्टे बोल के।
it's all about humanity. गाइस कुछ देर पहले लाइव बना रहा था तो अभी लाइव खत्म कर दिया। अभी भैया उधर से सिनेमैटिक्स ले रहे हैं और मैं इधर से व्लॉग का शूट कर रहा हूँ। सो इधर अरेंजमेंट देख सकते हैं गाइस। और इधर भैया आई मीन जीजा जी और दीदी को दीदी का मतलब सगाई चल रहा है, आशीर्वाद चल रहा है। और इधर हम लोग का बाकी सारे फैमिली मेंबर्स। और ये था स्नैक्स वाला पार्ट, इधर ही लंच वगैरह होने वाला है, ठीक है। तो ये बाकी सब इधर जो प्रेजेंट है सारे, ये अपने भैया इधर बैठे हैं। और अभी मैं आप लोग को पूरा ये जो रिजॉर्ट एक्सप्लोर कराता हूँ। पहली बात तो मैं कह दूँ ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है, ठीक है, कि पूरा एकदम से एक्सप्लोर करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि बहुत बड़ी जगह में ये विस्तृत है ये जो रिजॉर्ट है, ठीक है। इवन कोलकाता का बहुत ही पॉपुलर रिजॉर्ट है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि एक एक करके मैंने पोल किया था इंस्टाग्राम में, तो सब ने जैसा कहा कि उसी टाइप से हम लोग एक एक करके आप लोग को व्लॉग बना के दिखा रहे हैं। जैसे आज वनबीथी हो गया, ठीक है, इसके बाद स्टारबक्स, फिर आई मीन साउथ सिटी का स्टारबक्स जैसे कि आप लोग पोल में बताए थे, फिर बारबेक्यू नेशन, फिर उसके बाद ताज, ITC रॉयल बेंगल, सारा कुछ का ऐसे ही व्लॉग बनाएंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो है अभी ये आप लोग को दिखाते हैं, ये जो है एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम है बनभोज, बंगाली में लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट का नेम है बनभोज, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत सा, अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है, इधर लाइटिंग जलता है, लाइटिंग रहता है, इधर लाइट वगैरह जलता रहता है शाम के टाइम में, वो भी व्यू आप लोग को दिखाएंगे इधर का शाम के टाइम में। तो इधर से व्यू देखिए, उधर हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है, इधर और एक पार्टी चल रहा है और उधर एक का शादी चल रहा है, ठीक है। तो इधर बोट वगैरह लगा हुआ है, तो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं सारा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही बढ़िया से एनवायरनमेंट है इधर का, बहुत ही बढ़िया सराउंडिंग है इधर का, थोड़ा सा विलेज थीम है तो और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कोलकाता जैसा जगह में विलेज थीम के ऊपर बेस्ड कोई मतलब रिजॉर्ट बहुत ही मतलब अच्छा जगह है, क्योंकि कोलकाता पूरा एक शहर है, एक सिटी है, सिटी साइड में ऐसा विलेज थीम वाला मतलब सिटी साइड में पूरा ऐसा विलेज थीम वाला रिजॉर्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वैसे हम लोग विलेज एरिया में जा नहीं पाते तो इसलिए ऐसा रिजॉर्ट बनाया गया। और कोलकाता का मैं बता दूँ सबसे पॉपुलर एक रिजॉर्ट ये है, तो बहुत हाई डिमांड है इसका रिजॉर्ट का। तो फिलहाल तो आपको कॉटेज दिखाते हैं, ये एक है और ये एक है, तो ये है मीटिंग एरिया, ऐसे ही बस थोड़ा सा गप्पे शप्पे लगाने के लिए। और ये हम लोग का कॉटेज एरिया, ये हम लोग का रूम लिए है हम इधर, ठीक है, तो ऐसा कुछ है इधर का। वैसे तो पूरा ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, ये एक छोटा सा घर जैसा कुछ है, ट्री हाउस जिसको कहते हैं। और ये जो वनबीथी बंगाली में लिखा हुआ है फूल पत्ता देखे,
तो वैसे तो ये जो रिजॉर्ट है बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो एक्सप्लोर पूरा एक्सप्लोर करना वैसे बहुत मुश्किल है। और ये है एंट्री गेट जहाँ से हम लोग आए हैं, ये है पूल वाला एरिया। ओके, अभी हम लोग कुछ ही देर में पूल पार्टी करने उतरेंगे इधर। ये पूल वाला एरिया है पूरा, और ये है रेन शावर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो और इधर एक रोमांटिक थीम बना हुआ है ये, और इधर एक जन का शादी चल रहा है, तो इधर भी प्रोग्राम हो रहा है, तो उधर भी प्रोग्राम हो रहा है। और ये जहाँ पे हम लोग लिए हैं घर, रूम जहाँ पे लिए हैं, और ये फाउंटेन जो कि अभी बंद है फिलहाल के लिए, जब ओपन होगा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये गार्डन साइड है, उधर झूला वगैरह है। और अगर थोड़ा सा इधर जाए तो इधर का दिखाते हैं आप लोग को। इधर शॉप है एक छोटा सा खाना पीने के लिए, ये बैठने का एक जगह। तो और इधर से चलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है इधर मिडिल उधर से चार पांच हिस्सों में जाता है, और उसमें से एक इधर से देख सकते हैं आप लोग, इधर से एक हिस्सा है। सारे इधर छोटा छोटा कॉटेज है, झोपड़ी टाइप सा विलेज में जैसा होता है। और इधर बच्चों के लिए पार्क है, झूला है, फिर अलग अलग चीज़ें हैं, सीसो है, ट्रैम्पोलिन है। और इधर भी प्रोग्राम करने के लिए एक जगह है, और ये है कॉटेज। आप लोग इधर दिखाते हैं, तो गाइस इधर एक ब्रिज है छोटा सा, और इधर होता है बोटिंग, हम लोग आएंगे बोटिंग करने, तो ये बोटिंग एरिया है। तो पैडल बोटिंग है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब इस साइड अगर हम लोग जाते तो इधर भी एक बहुत बड़ा सा कॉटेज है, ये लेक एरिया, और ये इधर और एक बड़ा सा कॉटेज है, ठीक है। तो यही जो है इस साइड, और इधर मुर्गा वगैरह। तो अब और एक तरफ आप लोग को दिखाते जाके, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ा है, तो पार्ट बाई पार्ट मैंने एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी कंफ्यूजन ना हो इसके बारे में, ठीक है। बैकग्राउंड में गाना वगैरह चल रहा है, कॉपीराइट भी आ सकता है, इसलिए मैं जल्दी आ गया उधर से। और ये छोटा सा एक गार्डन, खूबसूरत सा। अब हम लोग इस पाथ पे चलते हैं, उधर से आए थे हम लोग, अब इधर से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है बीच में एक रेस्टोरेंट टाइप सा कुछ, खाना पीना करने के लिए कैंटीन वगैरह कुछ है। और इधर ड्राइंग बना हुआ है, पेंटिंग्स बना हुआ है दीवार में, हैंडमेड पेंटिंग्स। और ये फाउंटेन अभी फिलहाल तो बंद है। तो यही है जो है, अभी जाएंगे पूल पार्टी करेंगे, फोटोशूट करेंगे, और क्या। सो सिनेमैटिक्स वगैरह तो चल ही रहा है, अभी आप लोग को एक्सप्लोर भी करके दिखा दिया मैंने पूरा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत ही फॉरेस्ट्री टाइप सा ही माहौल है इधर का, थोड़ा सा शांत माहौल है, बहुत ही सिविलाइज्ड माहौल है इधर का। तो यही था जो था। और इधर हर एक जगह में ऐसे गार्ड बैठे रहते हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए, ठीक है, गार्ड बैठे रहेंगे। और इधर ये हम लोग का जो
बोर्ड लगा हुआ है, तो ये है अभी। गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लिए हम लोग और अभी आगे लंच करने, लंच करके हम लोग जाएंगे पूल पार्टी करने। सो करते हैं लंच, करते हैं अभी, दिखाते हैं आप लोग को मेन्यू में क्या है। चलो खाते हैं। ये दाल चावल, बेगुनी, सब बंगाली फूड आइटम, मटन वगैरह, फिश, और ये डेजर्ट में कुछ तो है। ठीक है, तो ये इधर हम लोग का सारा जो जो आए हैं सब इधर बैठ के लंच कर रहे हैं और अभी हम लोग भी खाएंगे। सो गाइस अभी पूल पार्टी भी हो गया और बोटिंग नहीं हुआ क्योंकि टाइम इतना कम था हाथ में कि बोटिंग नहीं कर पाए हम, बट पूल में कूदे हैं। ठीक है, फिर पूल में फोटोशूट वगैरह सारा कुछ किया, वो तो सब कुछ आएगा, इंस्टाग्राम में डालूंगा मैं सब कुछ। ठीक है, और वैसे तो मैं बोला था कि शाम को मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा बट मैं बना नहीं पाया। ठीक है, तो जो भी हो फिलहाल तो आप लोग को दिखाते हैं ये पूल का जो नज़ारा है इधर, वो दिखाते हैं आप लोग को कितना सुंदर नज़ारा है। ठीक है, फिर बाकी सब तो आप लोग को व्लॉग में दिख ही जाएगा। ठीक है, और वैसे भी इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट वगैरह में डाल दूंगा सारा कुछ जो भी फोटोशूट मैंने किया हो। ठीक है, और अभी आपको दिखाते हैं ये पूल, देख सकते हैं। तो गाइस ये है बनबीथी रिजॉर्ट का पूल, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और इधर अगर आप देखते हैं तो रात के टाइम में इतना बढ़िया, इतना सुंदर सा नज़ारा है इधर, और इतना मतलब थीम इसका मतलब ऐसा है ना कि विलेज थीम है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया एक माहौल देता है इधर ये सब चीज़ें, तो हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग। पूल तो इसका सबसे बढ़िया है यार, मज़ा आ गया पूल में स्विमिंग करके। तो कम टाइम था हम लोग के पास तो इसलिए हम लोग पूल पार्टी जब कर रहे थे, हम लोग पूल में जब मज़े कर रहे थे उसका हम वीडियो नहीं बना पाए, उसका हम लाइव वगैरह नहीं बना पाए हैं। कोई बात नहीं, तो देख सकते हैं गाइस बहुत ही एक सुंदर सा मतलब एक इतना शांति है इधर, इतना मतलब शांत इलाका है, मज़ा आ जाएगा इधर। सच बता रहा हूँ गाइस, अगर आप लोग कोलकाता के सामने कोई भी ऐसा रिजॉर्ट में आना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा विलेज टाइप सा थीम हो, मतलब विलेज थीम ऐसा कुछ आप चाहते हो अगर, तो फिर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा बनबीथी रिजॉर्ट में आइए और आके एक बार देख जाइए इधर का जो माहौल है, माहौल का आनंद उठा के फैमिली के साथ, या अगर कपल्स आ रहे हैं या अगर फ्रेंड्स लोग मिलके आ रहे हैं तो आइए, बहुत मज़ा होने वाला है इधर। बहुत बढ़िया माहौल देता है बनबीथी रिजॉर्ट। ठीक है, तो मतलब बहुत एक ऐसा जगह है ये, इधर जो आता है वही फील कर पाएगा बस। तो जो भी हो अभी हम लोग इधर से निकलेंगे और जाएंगे अपने घर। सो जो भी हो, लाइव तो मैंने बना नहीं पाया, ठीक है, बट वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा और इंस्टा में मैं पोस्ट में सारा कुछ जो भी फोटोशूट वगैरह है वो सब मैं इंस्टा में पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग को इंस्टा में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सब तो व्लॉग में देख ही पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो कभी और आके दूसरे दिन आके बोटिंग करेंगे, उसका भी लेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम लोग बोटिंग नहीं किए क्योंकि इधर का जो पानी है, बोटिंग के उधर जो लेक का पानी है वो साफ नहीं है, तो इसके कारण से हम लोग सोचे कि चलो यार बोटिंग को छोड़ देते, वो करते इधर पूल पार्टी करते। तो पूल पार्टी किए और क्या, बस बहुत बढ़िया सा आज का डे आउट हुआ। बट जो भी हो गाइस बहुत मज़ा आया, अभी हम लोग निकल रहे हैं रिजॉर्ट से। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग का अभी और एक प्रोग्राम है और अभी मतलब बहुत जल्दी है हम लोग का। ठीक है, तो इसलिए मैं स्विमिंग भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने लाइव वगैरह नहीं बना पाया,
बट जो भी हो गाइस बहुत मजा आया, बहुत मजा आया लिटरली गाइस। बहुत सारा प्लान लेके आए थे फोटोशूट का, उतना तो नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग के पास टाइम उतना नहीं था, बट जो भी हुआ बहुत बढ़िया से हुआ, जितना पॉसिबल था उतना हुआ, और जो हुआ बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, बहुत एंजॉय हुआ लिटरली गाइस। अगर आप लोग आते हो तो आइए, बहुत सही जगह है, बहुत सही जगह है, एक बार आके दर्शन करके मजे लेके जाइए इधर का। तो गाइस अभी ये जगह से जा रहे हैं, कैसे एक लग रहा है क्योंकि पूरा दिन इधर एंजॉय कर रहे थे हम लोग, मजे कर रहे थे, सो जो भी हो बट क्या करें, पूरे मतलब दिन भर तो रह नहीं सकते ना, तो जो भी हो अभी जा रहे हैं, चलते हैं, बने रहिए व्लॉग में, और क्या बस अभी सीधा जाएंगे घर। ओके तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये है रिजॉर्ट का बाहर का माहौल, ये अपना कार है उधर, और ये रिजॉर्ट का माहौल देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस अभी हम गाड़ी में चढ़ चुके हैं और जा रहे हैं घर की ओर, लेट्स गो। सो गाइस ये है कोलकाता का सबसे रॉयल होटल ITC रॉयल बंगाल सोनार बांग्ला ITC ताज। तो बहुत ही जल्द आने वाले हैं गाइस इधर आके, इधर आके ब्लॉग बनाएंगे, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी डिमांड किए कि इधर का ब्लॉग चाहिए, तो आएंगे ज़रूर इधर बहुत ही जल्दी, ठीक है। गाइस ये सेंटर कोलकाता है, देख सकते हैं ये प्रॉपर कोलकाता सिटी है जहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं। नियर चिल्ली हटा, गाइस कितने दिनों बाद कोलकाता का रास्तों में, कोलकाता का रास्ता में हम लोग निकले हैं अपनी गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे, इसका एक अलग ही मजा है। तो अभी इस रास्ते का फील ले रहे हैं, इस रास्ते का आनंद ले रहे हैं हम लोग। सो गाइस ये है श्रीभूमि, और ये एक श्रीभूमि का बहुत पॉपुलर टावर है, वॉच टावर है। गाइस अभी हम अपने इधर आ चुके हैं फ्लैट पे, और गाड़ी हो रही है पार्किंग, गाड़ी जा रही है पार्किंग में, और अभी हम भी जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाके आपको एक्सपीरियंस बताते हैं आज का। तो गाइस अभी हम घर पहुंच गए, और अभी आप लोग को बताते हैं आज का रिजॉर्ट का सारा एक्सपीरियंस, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कैसे बुक करना है, सब कुछ बताते हैं। बनवीथी रिजॉर्ट जो है इसका एक स्पेशल वेबसाइट है जहाँ से आपको बुकिंग करना पड़ेगा, और इधर सारा टाइप का कॉटेज अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए 1 BHK विथ AC विदाउट AC सब अवेलेबल है, ठीक है, और 2 BHK, ठीक है, ऐसा सब अवेलेबल है। तो आपको 1 bedroom लेना है तो वही कुछ 3000 और 3500 ऐसा कुछ पड़ जाएगा, और अगर 2 bedroom लेना है तो वही कुछ 4500 ऐसा कुछ पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सीन है, बुकिंग का जो वेबसाइट है उधर से जाके आप देख सकते हैं ये प्राइसिंग वगैरह, रेंट वगैरह, रूम रेंट सारा कुछ देख सकते हैं। और अगर पूल में उतरना है तो पूल के लिए 150 rupees पूल चार्ज, और 150 rupees अगर आप पॉलिएस्टर कपड़ा नहीं लेके जाते तो फिर आपको उधर से लेना पड़ेगा, उसके लिए 150 rupees और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो टोटल 300 पे करना पड़ेगा अगर पूल पार्टी करते आप। और अगर बोटिंग करते हैं, बोटिंग भी अवेलेबल है, अगर बोटिंग करते हैं तो बोटिंग के लिए 60 rupees फॉर 30 minutes, ओके, बोटिंग चार्जेस है, पैडल बोटिंग है। तो फिलहाल तो आज हम लोग बहुत जल्दी में थे, और वैसे भी पानी भी गंदा था, तो इस लेक का पानी गंदा था, दैट्स व्हाई हम लोग बोटिंग। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो रूम जो रहता है, रूम 24 घंटे के लिए रहता है, ठीक है। अगर आप चेकिंग करते हैं आज सुबह 9 बजे तो आपको कल सुबह 9 बजे तक मिलता है रूम। तो अगर आप लोग नाइट का भी करते हैं तो पूल पार्टी फ्री हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग नाइट को बुकिंग किए, ठीक है,
तो फिर मतलब नाइट स्टे के लिए बुकिंग की है तो फिर पूल चार्ज फ्री हो जाता है, वो बस होता है 8 बजे के बाद, ठीक है। तो 8 बजे तक अगर आप पूल में उतरते, 8 बजे से पहले या 8 बजे तक अगर आप पूल में उतरते तो उसका उसके लिए बस 300 रुपीज पे करना पड़ता है, कॉस्ट्यूम लेके 300 रुपीज, और नॉर्मल पूल पूल में उतरने का चार्ज है 150 रुपीज। ओके, सो यही सब है। और उधर अंदर कैंटीन भी है, रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट है बोनोभोज नाम का एक रेस्टोरेंट है, तो उधर से आप खा सकते हैं, या तो उधर कैंटीन भी है, ठीक है, या अगर आप चाहते तो खुद का भी खाना अरेंज करवा सकते हैं अगर आप लोग एक साथ ग्रुप पार्टी करने जा रहे हैं तो। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इतना ही बताऊंगा मैं। और ओवरऑल मेरे को जो रिजॉर्ट का जो एक्सपीरियंस लगा, मैं 5 स्टार में 4 स्टार देना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा है, रूम वगैरह सब बढ़िया साफ सुथरा है, ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है, उधर का माहौल बढ़िया है, उधर का एनवायरनमेंट बढ़िया है, सराउंडिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो फैमिली लेके कपल्स लोग या फ्रेंड्स लोग मिलके जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है हैंग आउट करने के लिए, ठीक है, वीकेंड मनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो बस व्लॉग में इतना ही, आज तो वैसे कुछ टाइम नहीं मिला, और वैसे भी बहुत सारा व्लॉग आने वाला है, जैसे अभी द पाम रिजॉर्ट का हम लोग सोचे हैं जाने का, तो उसके बाद फिर और भी बहुत सारा व्लॉग्स आने वाला है, मैं अभी ऐसे रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक तो रिवील कर दिया बट मैं बाकी रिवील नहीं करूँगा अभी, तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा व्लॉग आने वाला है। सो चैनल पे बने रहिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए ऐसे ही कॉन्टेंट पाने के लिए। सो ये वीडियो को यही पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय। অরুন্ধতি সদা নম নারায়ণে লক্ষ্মী স্তুতং ভবো ভক্ত। তিনটে থেকে টাইম দিয়েছিলাম, ওরা রেডি করছে এখনো, তো 3:30 বাজবে। ওদের মাথায় যে পরিমাণে দিচ্ছে টিটো একটু সাইডে নাও, শুভদা আসুন, এই নারায়ণে লক্ষ্মী পূতা।
ও আচ্ছা আচ্ছা এখন তো বেরিয়ে যাচ্ছে আমি আচ্ছা দাঁড়ান তো কেউ।